हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश में आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले देखते हैं थॉट ऑफ द डे। हमारा आज का विचार है, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। जी हाँ, हमें अपनी कोशिश लगातार करते रहनी चाहिए, इससे हमें या तो हमारा लक्ष्य मिल जाएगा या फिर उस लक्ष्य से संबंधित अनुभव प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, LAC पर हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए और चीन के 43 सैनिक हताहत हुए, यह घटना किस जगह हुई है? चार ऑप्शन हैं, नाकुला पास, पेंगोंग लेक, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग गोगरा। तो LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो ये घटना हुई है, हिंसक झड़प हुई है भारत और चीन के बीच, इसमें 20 जवान शहीद हुए हैं और चीन के 43 सैनिक हताहत हो गए हैं। यह घटना हुई है गलवान वैली के पास। आप मैप में देख सकते हैं यह घटना गलवान वैली के पास किस जगह पे हुई है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया ने किस देश को दुश्मन बताते हुए उसे अच्छे संबंध कायम करने के लिए बनाया गया कार्यालय बम से उड़ा दिया है? चार ऑप्शंस हैं, चीन, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दक्षिण कोरिया। जी हाँ, उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को अपना दुश्मन देश घोषित कर दिया है और इन दोनों के बीच जो अच्छे संबंध कायम करने के लिए जो कार्यालय बनाया गया था दक्षिण कोरिया में, 2018 में ये कार्यालय बनाया गया था, उस कार्यालय को उत्तर कोरिया ने बम से उड़ा दिया है। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर लोक गायक हीरा सिंह राणा का 14 जून को निधन हो गया, वह किस राज्य के गायक थे? मशहूर लोक गायक हीरा सिंह राणा, बहुत ही मशहूर लोक गायक थे हीरा सिंह राणा, उनका निधन हो गया, वो किस राज्य से संबंधित थे, किस राज्य के गायक थे? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। जी हाँ, 1945 में अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। हीरा सिंह राणा का जन्म 1942 में अल्मोड़ा में हुआ था और ये उत्तराखंड के गायक थे, ये मशहूर लोक गायक थे हीरा सिंह राणा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुपतिनाथ मंदिर में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 2.33 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है, यह मंदिर किस पड़ोसी देश में स्थित है? भारत में पशुपतिनाथ मंदिर में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 2.33 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, यह मंदिर किस पड़ोसी देश में स्थित है? चार ऑप्शन हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेपाल। पशुपतिनाथ मंदिर जो कि नेपाल में स्थित है, इस मंदिर परिषद में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भारत ने 2.33 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शीर्ष फर्राटा धाविका हीमा दास का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है? अभी अवार्ड मिला नहीं है, सिर्फ नॉमिनेट किया गया है। तो आपको बताना है किस राज्य सरकार ने हीमा दास का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। चार ऑप्शन हैं, छत्तीसगढ़ सरकार, उड़ीसा सरकार, असम सरकार या गुजरात सरकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम सरकार। असम सरकार ने शीर्ष फर्राटा धाविका हीमा दास का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से 100 उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर भारत लाए जाएंगे? जैसा कि सभी जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से बहुत ही ज़्यादा वेंटिलेटर्स और मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह की खपत देशों में बढ़ गई है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि किस देश से 100 उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर भारत में लाए जाएंगे। चार ऑप्शंस हैं, जर्मनी, अमेरिका, जापान और चाइना। तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका से 100 उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर भारत में लाए जाएंगे। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्री ने जर्मी बैंड डिवाइस लॉन्च किया है? किस मंत्री ने जर्मी बैंड डिवाइस लॉन्च किया है? तो जर्मी बैंड डिवाइस के बारे में कुछ जान लें। इस डिवाइस में 99.9%
वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता है, और यह डिवाइस हॉस्पिटल्स और क्वारंटाइन सेंटर्स आदि पे लगाई जाएगी, और वहाँ वहाँ से जो इसकी क्षमता है 99.9% वायु के रोगाणुओं को मारने की, इससे COVID-19 में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जी ने जर्मी बैंड डिवाइस लॉन्च की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेक के मुताबिक किस नदी में 500 साल पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? इंटेक के मुताबिक, तो इससे पहले कि हम इसका आंसर जाने, हमें जानना चाहिए कि इंटेक क्या है। इंटेक का फुल फॉर्म है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। तो इस क्वेश्चन इंटेक के मुताबिक किस नदी में 500 साल पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? तो इसका सही आंसर है महानदी। महानदी जो कि उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में ही यह 500 साल पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने COVID-19 के लिए कम लागत और AI आधारित टेस्ट किट डेवलप किया है? तो कम लागत वाली टेस्ट किट विकसित की गई है, तो आपको बताना है किस संस्था ने यह डेवलप किया है। चार ऑप्शन है, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, IIT हैदराबाद। तो सबसे कम लागत वाली AI आधारित टेस्ट किट डेवलप किया है हैदराबाद ने, IIT हैदराबाद। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक में सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लैक्सी कैश सुविधा शुरू की गई है? किस बैंक में सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लैक्सी कैश सुविधा शुरू की गई है? ये इंस्टा फ्लैक्सी कैश सुविधा क्या है? तो इंस्टा फ्लैक्सी कैश सुविधा में बिना पासबुक के या बिना डॉक्यूमेंट के, बिना बैंक के ब्रांच पर गए हुए 48 आवर्स के अंदर सैलरी खाता धारक बैंक से लोन ले सकेंगे। ये सुविधा दी गई है सैलरी खाता ग्राहकों को, कि अगर उनका किसी बैंक के किसी भी ब्रांच में सैलरी का अकाउंट है जिसमें उनकी सैलरी आती है, तो उन्हें किसी भी अदर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो 48 आवर्स के अंदर लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सुविधा को शुरू करने वाला बैंक है ICICI बैंक। ICICI बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। आइए देखते हैं हमारे कल के प्रश्न का सही उत्तर क्या है। हमारा कल का प्रश्न था, कौन हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? तो फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है बेल्जियम। आइए देखते हैं हमारा आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है, चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड का पदभार किसने संभाला है? चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड का पदभार किसने संभाला है? इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें पराक्रम एकेडमी के साथ। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। थैंक यू।